अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका हमारे इस ख़ास चैनल में। नाज़रीन, आज का जो हम वजीफ़ा आपके सामने लेकर के आए हैं, अगर आप इसको अच्छी तरह से करेंगे और अच्छी तरह से समझ लेंगे और इसी तरीके से बना लेंगे जैसा कि मैं बनाऊंगी, तो आपका प्यार आपको 100% मिल ही जाएगा। अगर यकीन ना हो तो आप इसको आजमा करके देख सकते हैं। आपका प्यार कहीं पर भी है या कितना ही पुराना प्यार है, वो आपको मिल नहीं रहा या फिर आपसे नाराज़गी जाहिर करता है, बात बात पर वो आपसे नाराज़ होता है, आपको झड़क देता है, आपको छोड़ करके जाने की बात करता है, तो बने रहिए मेरे साथ। सबसे पहले आपको एक प्लेन पेपर चाहिए होगा, जैसा कि मेरे पास आप देख रहे हैं एक प्लेन पेपर है। इस पर सबसे पहले आप लिखेंगे 786। इसके बाद आपको एक नंबर लिखना है। 786 के बाद आप नंबर लिखेंगे 3521, फिर लिखेंगे 3518 और उसके बाद आप लिखेंगे 3515। 3516 लिखेंगे, उसके बाद आप अपनी प्रेमिका का नाम लिखेंगे, यानी जो आपकी महबूबा है उसका नाम लिखेंगे और उसके बगल में उसकी माँ का भी नाम लिखेंगे। प्रेमिका का नाम, उसके बाद आप लिखेंगे बिनते, उसकी माँ का नाम, और उसके बाद आपको लिखना है 3526। अब अगली लाइन में आप लिखेंगे 3519, उसके बाद आप लिखेंगे 3514, उसके बाद आप लिखेंगे 3517 और इसी तरह से आपको लिखना है। वीडियो को खूब तसल्ली से देखें ताकि पूरी तरह से आप इसको समझ सकें और जैसा नंबर लिखा हुआ है आपको उसी तरह से लिखना है। ये एक बहुत ही पावरफुल नक्श है। इस नक्श को आपको एक प्लेन पेपर पर लाल कलम से बनाना होगा, फिर एक दीपक में घी भरकर उसमें ये नक्श आपको जलाना होगा। आप देख सकते हैं मेरे पास एक दीपक भी रखा हुआ है, लेकिन मैं आपको इसे जलाकर यहाँ पर नहीं दिखा सकती। आपको इसमें घी या तेल डालना होगा और इसके बाद इस नक्श को पूरी तरह से जला देना है। आपका प्यार आपके वशीभूत होकर आपके कदमों में हाजिर हो जाएगा। उस इंसान के बारे में सोचना है जिसे आप प्यार करते हैं, फिर जब आप उसको सोचेंगे तो आपको कुछ महसूस होगा, और अगर पहली दफ़ा कुछ महसूस नहीं होता तो आप इसे दूसरी मर्तबा कर लीजिए। हफ्ते में किसी भी दिन किया जा सकता है, यानी हफ्ते में आपको दो बार ये अमल को करना होगा। दिन चाहे जो भी हो, इसका कोई मसला नहीं है, आपको बहुत जल्द इसमें कामयाबी मिलेगी। इसके बाद आप इस अमल का कमाल देखें कि कैसे आपका चाहने वाला आपकी मोहब्बत में बेचैन हो उठता है, आपकी तरफ खींचा चला आएगा। इसको जायज मकसद के लिए करना होगा। आपको मैं एक बार बताती चलूं कि किसी नाजायज मकसद के लिए ना करें, वरना अगर कुछ भी इस आपके साथ गलत होगा तो हम उसके जिम्मेदार नहीं होंगे। किसी को परेशान करने के मकसद से आपको ये वीडियो नहीं देखना है और इस अमल को नहीं करना है। आप इसको किसी भी दिन शुरू कर सकते हैं। आप बिल्कुल भी देरी ना करें और आज ही इस अमल को शुरू कर दें ताकि आप इसका कमाल जल्द से जल्द देख सकें। और अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो इस मेरे वीडियो को आप बार बार देखें, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। नाज़रीन, ये वजीफ़ा बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, इसलिए आप इसे जायज़ मकसद के ही लिए करिएगा। और हाँ, अगर आप कहीं दूर हैं किसी दूसरे शहर में और आपको लगता है कि आप नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे में आप हमारे मौलाना साहब से कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे उनका नंबर डिस्प्ले हो रहा है, आप उनसे सीधे सीधे रابطہ कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी या फिर फ़ोन के ज़रिए या फिर SMS के ज़रिए, और वो आपकी पूरी मदद करेंगे। और आप उनसे बात करें, अपना मसला कहें, और वो आपकी जब मदद करेंगे तो हो सकता है आपकी ज़िंदगी खुशगवार हो जाए, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाए, और अगर आपकी ज़िंदगी में कोई परेशानी है तो इंशाल्लाह वो जल्द से जल्द दूर हो जाएगी। दोस्तों, मुझे यकीन है कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। फ़िलहाल आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।